Um, और बहुत कम लोग मुझे अब ऑनलाइन वर्ल्ड में मिलते हैं जिनके व्यूज कार्बन कॉपी मेरे जैसे ऑब्वियसली विद द एक्सेप्शन मैं एक पाकिस्तानी हूँ वो एक इंडियन है और मेरी बैकग्राउंड इस्लाम की और उनकी बैकग्राउंड हिंदुजम uh, से है और जारी बात है उसके अंदर प्रणाव है एक उनके साथ भी हमने बात की थी साइंसिस डॉप और उनका चैनल भी बड़ा ऊपर जा रहा है विच इज ऑलवेज गुड टू सी Uh, लेकिन उतना ऊंचा उस तरह नहीं उड़ते चैनल्स जिस तरह उड़ने चाहिए फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शुरू किया था uh, पाकिस्तानी उर्दू में तो आई रिमेम्बर डेली व्यूज uh, कुछ महीनों के लिए uh, दो दो लाख थे यू नो लाइक वन यू लुक एट इन आवर्स सो यू नो इवन दो वो व्यूज उतने थे जितने मिलियन सब्सक्राइबर वालों के थे होते थे सो so, hmm. बट एनीवे anyway, तो ये था लेकिन बट एनीवे anyway, और अब वो फिर आईसलेस ऑब्वियसली इज अ सैचुरेशन पॉइंट और ठीक है लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि द यू नो इट्स ग्राउंड इज फर्टाइल तो, you know, uh, तो उनमें से एक नाम मैं विमो को आप अगर नहीं जानते तो यू नो वेलकम आपको जानना चाहिए और आज आप जानेंगे विमो विमो uh, की ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो Instagram के ऊपर है लेकिन इंस्टाग्राम एक बहुत ही आई डोंट नो आपने वो प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया इंस्टाग्राम एक बहुत ही ढीला ढाला किस्म का है तो उससे पहले आपसे हम ये इसका सवाल लेते हैं तो उससे पहले हम आपके मैं चैनल दिखाना चाहूंगा लोगों को कि प्लीज इनके इंस्टाग्राम को तो देखिए देखेगा लेकिन ये इनका विमो लाइव है ऑब्वियसली इसमें वो बड़ी अच्छी वीडियो ये भी बड़ी मजे की वीडियो है <laughs> uh, लेकिन इनके यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगर आप ये नहीं करते सब्सक्राइब तो यू यू नो आई थिंक डूइंग सर्विस क्योंकि जिन लोगों को इस्लाम की चीजों के अंदर प्रॉब्लम नजर आती है यू शुड बी एबल टू ओपन मैं तो पाकिस्तान मुंह से हिंदुजम चैनल आई लर्न अ लॉट नॉट ओनली जिस ने रिलीजन बैशिंग बट वेरी रैशनल No, no, like हाँ तो वेलकम टू द शो विमो आप तो, कैसे है sorry, हमने ये शो एक घंटा लेट हो गया और उससे पहले हमने पहले भी बात की थी कोई बाती, कोई बाती, हो जाता है आ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक प्यू का सर्वे आई थिंक आपकी नजर से गुजरा होगा जो इंडिया रिलीजन इन इंडिया के ऊपर था आई थिंक यू स्पोक अबाउट दिस Uh, 2020 में शायद आया था आई आई विल ब्रिंग इट अप व्हेन व्हेन यू आर गिविंग थॉट्स ऑन दैट उसमें uh, एक सेक्शन था जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स हिंदूज और बुद्धिस्ट और जैन और सिक्स और उन सारों को इंक्लूड किया था फ्रॉम रिलीजियस परस्पेक्टिव उसके अंदर एक स्टैट बड़ा अजीब सा था जो मैंने देखा कि एथियस कितने हैं

Hmm. लेकिन they have been lumped in the Muslim category. लेकिन जब वो हिंदूज के ऊपर तो हैरत ये हुई कि हमें जब मैं, जब मैं भी के ऊपर बात करता हूँ तो इंडिया के ऊपर क्योंकि बहुत सारी जो ऑडियंस है वो इंडिया से भी आती है तो वो एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हमारे तो बड़ी रीजन और रैशनैलिटी है और अगेन आम एथियस्ट

तो मुस्लिम्स के लिए सवाल का जवाब देना आसान होता है और हिंदू के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आई सपोज इब्राहिम एक धर्मों में इस्लाम एक है और उनके लिए गॉड में विश्वास करना एक मतलब एक पिलर है उनके रिलीजन का हिंदूज में आ, नहीं है हमेशा कई लोग अपने आप को हिंदू कह सकते हैं बट दे डोंट बिलीव इन गॉड कई लोग अपने को हिंदू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नास्तिक होने के बावजूद Uh, अपने आप को हिंदू कहते हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी कई लोग अपने आप को हिंदू इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी uh, ऐसी फ़िलासफ़ी को सब्सक्राइब करते हैं जिसमें गॉड का बहुत बड़ा रोल नहीं है सो मे बी दैट इज़ वाई मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि पी का जो सर्वे है उसके जो सवाल हैं वो वो सवाल नहीं हो सकते जो कि अमेरिका या यूरोप में काम करते हैं इंडिया में जो सर्वे होता है ना उसके लिए उनको अलग से सवाल लिखने पड़ेंगे एक बेटर सवाल होता अगर लिस्ट होती आप इनमें से किस धर्म को बिलोंग करते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी जोरोस्टियन सबके साथ लास्ट में लिखा होता है नान ऑफ द अब अगर नान ऑफ द अबव होता तो हमको पता चलता शायद कि नास्तिकों की संख्या ज्यादा है क्योंकि कई लोग एक धर्म के अंदर होते हुए भी अपने आप को कह रहे हैं कि वी डोंट बिलीव इन गॉड कई लोग कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन गॉड ब उनका आइडेंटिटी मुसलमान है आई डोंट थिंक ये सर्वे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है Uh, इस चीज को समझने के लिए कि भारत में नास्तिक कितने हैं। like right. मैं अपने आपको वर्किंग गोइंग थ्रू माई मेमरी हिंदूज में वन परसेंट नहीं टू परसेंट है जिन्होंने कहा गॉड hmm. uh, और मुस्लिम है जिन्होंने कहा डू नॉट अगेन इट्स थ्री टाइम्स ऑफ हिंदूज

फॉर uh, एग्जाम्पल कोई भी इशू लेके जो फनाटिसिज्म को दिखाता तो आपकी मोटिवेशन क्या है क्योंकि अब जैसे मैंने मैंने एक एक काम किया, मैंने बड़ा एक outrageous का unheard of काम किया, किया बड़ा किस्म का कि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान में इस तरह का लोग कोई लोग भी हो सकते हैं जो इस तरह की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया बड़ा जबरदस्त और एक बड़ी अजीब सी एक शोहरत आई एकदम से शुरू से लेकिन इंडिया में एक टॉलरेंस का हिंदूज में

आपको क्या लगता है कि आप इतनी जो एक वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो यू आर वेरी क्लियर मुझे आप जो भी बात करते हैं मुझे समझ आती है मैं 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 कई लोगों को जैसे, को जैसे जैसे सुनता कहता यार ये क्या बातें कर रहा है ओके okay, ही उठाता है वेस्ट से कुछ चीजें फिलोसफी की और लेकिन उसमें नथी करके बीच में वो कोई कोई अपनी कोई हिंदू एवोल्यूशन उसने साबित कर दी कि हमने तीन हजार साल पहले तो हमने बताया था कि लाइफ जो है वाटर से आई है और उसने फिर पूरी ना एवोल्यूशन स्टेजेस बताई

मैंने बोला इस फ्रेज के इस्तेमाल की जगह एक ऐसा फ्रेज इस्तेमाल करो जो सबके समझ में में आ जाए और उस वीडियो के कमेंट किसी ने लिखा हाँ हाँ इसको बोल फिलोसॉफिकल डिबेट लैंग्वेज समझ में नहीं आती बोला भैया वो पॉइंट नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि जो भी कोई बड़ा सा वर्ड बोलता है ना तुम उसको समझदार समझने लगते हो बिना समझे कि वो असल में बोल क्या रहा है और मेरा जो पर्पस है काम करने का वो ये है कि मैं चाहता हूं जो सॉफिस्ट्री होती है ना बड़ी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके सिंपल uh, चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना और दिखाना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ मैं उसके खिलाफ काम करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक ला पाऊं क्योंकि यह हमेशा देख के दुख होता है कोई कहता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड पर मुझे पता नहीं हाउ आई कैन क्रिटिसाइज रिलीजन आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड अबे इसमें क्वालिफाइड का क्या है अगर कोई अगर कोई दाढ़ी बढ़ा के एक बड़ी सी चेयर पे बैठ के लंबी लंबी फेंक सकता है तो तुम भी एक ओपिनियन रख सकते हो हमें ये क्यों लगता है कि हम धर्म के बारे में ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर सकते सब कर सकते हैं इट्स पार्ट ऑफ एवरी लाइफ बट एक एटमोस्फेयर बनाया गया है जिससे कि कई लोगों को लगता है कि वो जब बोलता है वो दाढ़ी वाला जब बोलता है तब वो कुछ सोच समझ के बोल रहा होता है बट मैं क्वालिफाइड नहीं हूं जबकि उसका हुँ. कोई फाउंडेशन है ही नहीं हम सबके पास बेसिक नॉलेज है जिसका इस्तेमाल करके हम ओपिनियंस uh, फॉर्म कर सकते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं आई डोंट नो ये किस हद तक काम में आएगा पर मुझे जहां तक एक्सपीरियंस हुआ है अब तक अपने ऑडियंस के थ्रू जब मैं कोई बात सिंपली समझाने की कोशिश करता हूं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता ऑबवियसली बट एज टाइम पासस मोर एंड मोर पीपल आर बिगनिंग टू सी इट इट्स क्वाइट अमेजिंग जो आपने कहा कि लोगों को और जो जो विजुअल अपीयरेंस होती है इट मींस ऑबवियसली इट मैटर्स बिकॉज़ मुसलमानों में भी यही होता है मानते सब

तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है इफ यू कैन बिलीव इन समथिंग विद सच एपोल्यूट सर्टेटी व्हेन यू एग्जांपल लेकिन मुझे एवोल्यूशन की थोड़ी बहुत समझ आया आप मुझसे बात करेंगे आई कैन गिव यू अबाउट एवोल्यूशन बट उसका जो काउंटर है दैट व्हाट मैटर्स उसका काउंटर जो हमें बताया जाता है कहला ने मिट्टी से इंसान को बना दिया मुझे उसकी ये जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी आम आदमी को भी हमें नहीं पता ये आईफोन कैसे बनता है मुझे आई डो नो मुझे पता है कुछ रेडियो सिग्नल्स जाते हैं ऊपर सेटेलाइट में उधर से इधर से टावर पे जाते हैं टावर सेटेलाइट पर जाते हैं Uh, how does it work? मुझे नहीं पता उसकी सैटेलाइट के अंदर उन्होंने क्या डाला हुआ है What is this? कि ये ये रेडियो वेव्स क्या हैं? मुझे मैंने तो नहीं देखी। लेकिन यार एक बॉल है वो जादुई बॉल है, और मैं उसमें बात करता हूँ तो विमो दूसरी तरफ बैठा हुआ, उसको सुनाई दे देता है आई वर्क्स बट आई नो इट वर्क्स और अगर कोई आईफोन का इंजीनियर मुझे बताता है तो आई विल दिस इज़ द रीजन आई बिलीव इन सो एक्सपर्ट अबाउट इट टू नो मेक योर लाइफ इजीियर बेसिकली द डिफरेंस इज आईफोन काम कैसे करता है हमें पता नहीं भी है तो भी हमें पता है कि कुछ चीजें हैं जिनको करके हम ये चीजें पता कर सकते हैं पर जब कोई कहता है कि ये चीज है पर हम पता नहीं कर सकते हमको बस मान लेना चाहिए तो उसके ऊपर सवाल करना लाजमी है है तो आप, तो आप आपको कैसा फीडबैक मिलता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप देखते हैं सतगुरु अजीब सी बात करते हैं तो जी वो जोरोगन पे भी बैठ जाते हैं है जोरोगन वाला बड़ा एम्बेसिंग इंटरव्यू था उनके लिए एनी वन ऑफ वाला

तो कहता हाँ ये देर वॉज अ ग्रेनी कैमरा ग्रेनी रखा सो आई मीन बट हाउ आई कैन अंडरस्टैंड और फिर ये आपको क्या लगता है कि ये ये क्या है कि हमारे <laughs> कल्चर में सॉरी आपके स्पेशली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है कि एक पीपल थिंक के वी ओ समथिंग टू द कल्चर टू टू ट्रेडिशन टू आवर हिस्ट्री टू आवर सिविलाइजेशन जब हम कुछ ओ करते हैं विच मीन्स हमें उसकी तारीफ करनी पड़ेगी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी वाई वाई सपोज ये मतलब इसको अगर बॉयल डाउन किया जाए तो सिंपली इट कम्स डाउन टू चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन अगर मेरे पास कोई धर्म नहीं है और कल को कोई बच्चा आता है और मुझे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया धर्म लाया हूं, उसको फॉलो करो उसको रिजेक्ट करना आसान होता है क्योंकि वो बच्चा हमारे लिए एक अथॉरिटी फिगर नहीं है पर जब हम धर्म को सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं तो धर्म हमको जहाँ से मिलता है वो हमसे बड़े लोग होते हैं हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं ये वही लोग होते हैं जिन्होंने हमको चलना सिखाया होता है बोलना सिखाया होता है उनकी बातों को बाद में झूठ मान लेना बहुत मुश्किल होता है और हम उनकी बातों को क्वेश्चन करना भी तभी कर पाते हैं जब हम कम से कम थोड़े बहुत अडल्ट हो चुके होते हैं एक बच्चे के रूप में वो करना बहुत मुश्किल होता है सो so, अगर जिंदगी के पहले दस साल इमेजिन निकल गए किसी चीज को सच मानने में विदाउट एविडेंस क्योंकि हमसे जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमसे कहा था कि इसको सच मानो और सिर्फ उन्होंने ही नहीं हम जहां भी देखते हैं आसपास घर के बाहर देखो लोग वही कर रहे हैं सिनेमा हॉल में वही फिल्में चल रही है नेता वही बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस वही कर रहे हैं टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं ये जो एको चेंबर है इसके अंदर अच्छे खासों का बैंड बच जाता है एक दस साल का बच्चा तो फिर भी दस साल का बच्चा है

Yeah. और फिर वो उसकी एटमोलॉजी में चले जाते हैं हिंदू देश का मतलब था यू नो लाइक इट्स ड्रिवन फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन एंड समथिंग लाइक दैट और सो अगेन आई से, से मतलब हाथ घुमा के नाक पकड़ना अजीब तरीके से साबित करने में लगता है इंटेलेक्चुअल एक्रोबैटिक्स और एग्जैक्टली exactly, और जब आपको ये पता चल जाता ओके सो व्हाई आर यू बीइंग सो स्टबन अबाउट दिस आपको ये कहने

टाइटल से जज करते हैं दे हैव ही ही हैज एक्चुअली एक्सप्लेनड इन द बुक द व्हाई ही यूज्ड दैट वर्ड तो मुझे इसमें बताएं जो आपने भी शुरू में कहा कि कुछ चीजों को लेके एंबिगुइटी तो है लेकिन कुछ चीजों को लेके बड़े सेंसिटिव भी हैं तो गॉड का तो चले मैं कांसेप्ट देखता हूं लेकिन यू नो हैविंग सेड दैट दो ये जो जो आपको मैंने दिखाया कि गॉड को तो बिलीव नाइनटी सॉरी सिर्फ टू परसेंट ऐसे हैं जो नहीं करते लेकिन एक बीफ के ऊपर बिट मोर डॉगमेटिक समझते हैं कि अगर आप बीफ खाते हैं तो आप हिंदू नहीं अपने आप को कह सकते सो so, क्या बीफ में लेके ज्यादा हार्शनेस है एज टू एनी

और क्या ये सर्वे उन लोगों में भी किया गया था जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और साउथ में रहते थे क्योंकि वहां पे इवन अमंग इज नो बी फीटिंग अ प्रैक्टिस सो मैं अमेरिका बेसिकली प्यू इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन पर मैं ये समझता हूं कि प्यू के जो सवाल हैं जो मतलब सैंपल साइज को पूछे जाते हैं उनमें थोड़ी और नुआंस होनी चाहिए क्योंकि अगर धर्म को समझना है तो गॉड को बेसिस बना के इंडिया में नहीं समझा जा सकता और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है

जब हम अब्राहमिक फेथ को देखते हैं और ऑब्वियसली इट्स क्वाइट सिमिलर अगर आप क्रिश्चियनिटी और जुडाइजम को कॉन्सेप्ट से देखते हैं इस्लाम को इट्स क्वाइट सिमिलर दे आर सम न्यूस डिफरेंसेस बट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज वेरी सिमिलर सो हाउ कैन जो इन पोलिथिज्म में इसके इसके काफी वेरिएबल्स नए न्यूंसिस आ जाते हैं जो आते हैं कैन बी ओवर सो आई सो आई अंडरस्टैंड दैट

Yes. डॉगमा के कुछ ओल्ड फ्लेवर्स हैं कुछ नए फ्लेवर्स हैं और मैं एक्चुअली अपने आप को ज्यादा कंसर्न भी नहीं करता कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है मैं अपने आप को सिर्फ आर्ग्यूमेंट से कंसर्न करता हूँ कि वो आदमी वट डू यू बिलीव इन एंड वाई एंड मैं उसी बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अगर मैं डॉगमा देखने जाऊंगा ना तो मुझे इसके रिफ्लेक्शन विदेश में मिल जाएंगे देश में मिल जाएंगे नए मिल जाएंगे पुराने मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे इट्स 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 अ

उट आके उसने कहा रिलीजन नहीं आया ये क्यों क्या उनको रिलीजन के टाइटल से फिर एम्बेरसमेंट भी होती है कि मैं अपने आपको हिंदू बोलूंगा तो ये मेरे पे चार पार दौड़ेंगे तो मैं इनको ना जरा थोड़ी सी जरा अपनी जरा इंडिक फिलॉसफी की मारता हूँ कि ये कॉन्शियसनेस क्या है तो जरा बताइए ये ये कॉन्शियसनेस का क्या है क्या कि पॉपुलराइज अब ज्यादा हुआ है जैसे यू नो लाइक पीपल लाइक दीपक चोपड़ा एंड ऑल दोस गाइस डिड दे पॉपुलराइज इट मोर या आपके क्योंकि आई थिंक ये साधु तक था पहले आई थिंक ये था तो पहले से okay. पर विद इन हिंदूइज्म फॉर द मोस्ट पार्ट अगर आप देखने जाएंगे कि हिंदू अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि दे आर थीस्ट विच मीन दैट दे बिलीव इन सब गॉड ग नाउ रिलीजन को झांपड़ पड़ते रहते हैं हर पचास साल हर सौ साल में एक बड़ा झांपड़ पड़ता है जिसकी वजह से रिलीजन दो तीन स्टेप बैक ले लेता है पर जब हाँ। वापस आता है अपने आप को थोड़ा बहुत अडेप्ट कर लेता है और इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है ठीक वैसे ही जैसे कि विदेशों में भी कमी नहीं है जो अपने आप को रिलीजियस कहने से थोड़ा सा बुरा लगता है उनको नहीं मैं रिलीजियस नहीं हूँ क्योंकि रिलीजन के साथ एंशियंट ओल्ड आउटडेटेड स्टफ इज एसोसिएटेड सो हैं जिस पे वो है। हां बिल्कुल सो so, मैं स्पिरिचुअल हूं मैं रिलीजियस नहीं हूं ये सब बोलने लगते हैं और uh, ये जो अद्वैत वेदांत वाला फिलॉसफी है यस इट इज पार्ट ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स यस इट इज पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी पर ये एक्चुअली इतना वाइड स्प्रेड बिलीफ नहीं है जितना कि लोग कहते हैं ये अद्वैत वेदांत वाली फिलॉसफी लोग तब हिंदू लोग तब सामने लाते हैं जब किसी गोरे से बात करनी होती है पता कितना डीप है वगैरह मैं तो इसको पता क्या कहता हूँ ये जो दीपक चोपड़ा ब्रांड ऑफ है, लाइक रियलिटी डिपेंड्स ऑन परसेप्शन देंगे बीच में हाँ मैं मतलब मैं पॉइंट इज नॉट दैट दे बिलीव इन इट अगर मैं दीपक चोपड़ा से बोलूंगा तेरे सारे पैसे मुझे देते वो नहीं देगा राइट right? mm. क्योंकि ही डज बिलीव इन रियालिटी मैं इसको टॉय स्टोरी फिलोसॉफी कहता हूँ yes. बच्चा देख नहीं रहा होता तो टॉयज कॉन्शियस so, हो जाते हैं इफ यू ब्रिंक इट डाउन टू दैट लेवल इट इज क्विट सिली बट करते हैं तो वो ऐसी लैंग्वेज का कर इस्तेमाल करते हैं विच इज क्वांटम एंड कॉन्शियसनेस एंड ग्रेटर मिस्ट्री ऑफ द कॉस्मोस यू ब्रिंग इट डाउन टू द लेवल ऑफ पूप पूट मेक्स सेंस क्योंकि वॉट दे वॉन्ट इज एसेंशियली

वाइनबर्ग, uh, said, said so you you no <laughs> ये सेड, आई थिंक ये सेड, वाइनबर्ग सेड के वो सेंटीएंट हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो डॉकिंस बचा रहा, ही कुड़ नॉट हैंडल सो मच बुल्शिट। तो ही वुज़ गेटिंग एंग्री और अपसेड। तो वो, तलोक तालियां मारने लगे कहते, वाई यू क्लैपिंग? यू हैव नो आइडिया व्हाट ही सेड? क्यूंकि वाक

के भाई मुझे पैसे दे दो यू नो यू कैन एनी परसीव सो तो ये जो नॉन जुएलिटी का जो कॉन्सेप्ट बताते हैं इसको अगर आपने सम अप करना हो ये जो पूरा कॉन्शियसनेस का जो हमारे साथ चक्कर चलाते हैं वि, ये अद, विदयंता और जिसपे उसने थिंक उसको ट्वीट की थीता इज नॉट टू नॉट टू मीन वन बिकॉज इट कॉन्ट मीन थ्री और So, जब कोई कहता है अद्वैत उसका मतलब होता है दो नहीं है पूरे यूनिवर्स में दो नहीं है एक ही है और उसका मतलब है कि उसके एक्चुअली तीन चार इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं द वन मोस्ट कॉमनली आई हेयर जो कि दीपक चोपड़ा के साथ कंपेटेबल है विच इज दैट द एंटायर यूनिवर्स इज वन कॉन्शियसनेस वी आर ऑल फिगमेंट्स ऑफ द सेम इमेजिनेशन दैट इज डॉट एग्जिस्ट रियालिटी

पर जब कोई आपके फंडामेंटल आपके कॉन्शियसनेस को ही टूल बना ले और कहे कि तुम जो देख रहे हो एवरीथिंग दैट द यूनिवर्स इज कमिंग टू यू सेंसेस ओनली कमी सो उसको डिसप्रूव करना मुश्किल हो जाता है और मैंने ये देखा है कि आप कुछ सालों में आ, कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स ऑफ थॉट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने वो भी अपने आप को उस वे ऑफ थिंकिंग का बताते हैं कि मे बी गॉड इज कॉन्शियसनेस सम काइंड ऑफ सिंक्रेटिक रिलीजियोसिटी दट इज अक्स ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी एंड क्रिस्टियानिटी इज कमिंग इन टू बिंग इन अमेरिका इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच पिछले दो तीन हफ्तों में मेरे चैनल पर कोई आया था जो कि एनालिटिक आइडियलिज्म को सपोर्ट uh, कर रहा था उसके बारे में मतलब क्लिप्स वगैरह हैं बट द आइडिया इज दिस द फंडामेंटल आइडिया इज दिस की द यूनिवर्स इज वन कॉन्शियसनेस एंड देर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट वन कॉन्शियसनेस और हम जो भी हैं आप में

रियालिटी yeah. क्या है ये हम सब इंड्यूस करते हैं राइट yes. right? और चाहे वो दीपक चोपड़ा हो चाहे वो सदगुरु हो आप हो मैं हो कोई भी हो हम सबको इंड्यूस ही करना पड़ेगा सो mm -hmm. so, अगर कोई ऐसी चीज बता रहा है जो कि मैं डिस्प्रूव नहीं कर सकता उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सच है वो प्रूव नहीं कर सकता मैं डिसप्रूव नहीं कर सकता हम दोनों एक लॉक में है राइट अंटिल देर इज

लॉज ऑफ द नेचर को फॉलो किया जा रहा example, hmm. itself, जो हमारी है वो हर दफा लॉजिकल नहीं होती होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल वीडियो गेम के अंदर ग्लिच आ सकता है अगर यू नो इफ 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 देर इज समिंग लेकिन यूनिवर्स में तो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स एक ऐसे चल रहे हैं मीन ड्रीम है ड्रीम में आप एक मिनट में उड़ रहे हैं और एक मिनट में आप सुपरमैन की पावर बन गए और मिनट में आप हाँ, मरने हाँ, हाँ. तो आप मरने लगे तो जाग हैं। There, no... be... रैंडम नहीं होती ऐसा नहीं होता कि अभी आपके बाद निकल और आप हाँ, लगे पॉइंट लगे. होगा, होगा कि अगर आपके सपने में रैंडमनेस है तो आपको सपने के दौरान पता नहीं चलेगा

इफ वी वॉन्ट टू एक्चुअली माउंट अ गुड रेस्पॉन्स टू दैम हम ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा पॉइंट ये है कि मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ इफ समथिंग इज नॉट बींग ऑब्सर्व बाई कॉन्शियस माइंड इट डज नॉट एग्जिस्ट और इट डज नॉट एक्सिस्ट इन द फॉर्म दट आई एम सींग इट इन दें यू आर गोइंग टू हेव टू प्रूव इट लाइक आई एम आई एम होल्डिंग अ पेन हिस्र आई सी इट एज मैटर इफ आई एम नॉट लुकिंग एट इट राइट नाउ इट्स आउट ऑफ द फ्रेम यू आर नॉट एबल टू सी इटम नॉट एबल टू सी इट एंड No, it it exists apparently in a different form. So my question is, <laughs> how can I establish that? Yeah. How can I establish that it is any different from matter? Exactly. Because it, it's because a very like, unfalsifiable. Yeah. Yeah. No, it's not actually unfalsifiable. We can set a camera to observe that object. No, but then say like at a camera microscopic is, level, cam cameras observing, they will say like a camera is observing, that's why it knows to exist. Yeah, but can, they, they they don't say that actually. They say that it's only when it is being observed by a conscious being. Oh.

यही की थी आपने कहा था क्या बात की थी मोर बिलीवेबल्टेबल एक्सप्लेनेशन इज दीज थिंग रियालिटी Like in yeah. form, in the form of matter, no, that it's is it's a, it's a more natural. Uh, it's a more like natural is, conclusion. Yeah, I don't have to do some uh, multiple. Uh, you, what is it called? Somersaults, intellectual somersaults in the air to justify the fact that this is a pencil, right? It's a And pencil. And my mind it is, is perceiving it. it. Yeah, yeah, yeah. वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक बच्चा भी पेंसिल को हाथ में पकड़ के बोल सकता है, ये पेंसिल है, ये मैटर है. Mm. इस चीज़ जिसको ये सब कुछ डिनाइ करना होता है.

I say okay, but it's not a god of religion. I say okay. What value does it bring to your life? Hmm. Get if that god created the universe and moved away, I call this a god of irrelevance. Apparently, there's a, some other form in philosophy which i'm not which i forgot what it is but i came up with the idea myself it's a, it's a god of irrelevance how because the ones that who have supposedly contacted us like you know jesus we have disproved we have said no they're not real whether he exists or not what difference does it make to you is he going to judge you because all of that falls under the category of unprovable and you are saying Ki, man, prove nahi saitha, but I just believe in this deistic God. So uh, mostly religious people it's not that's just a deistic God like mostly hmm. religious people jab, usko late hain, uh, ke, how can you prove a God or how so the God that the religious people when they start with you know the ontological argument and cosmological argument, the primary mover, etc, all of that they use. वो वो असल में उस की बात कर रहे हैं बट दे वॉन्ट टू मेक द स्ट्रेट टू देयर फेवरेट गॉड अल्लाह या तो इसमें इनकी क्या टू क्रिएट कंकॉक्ट ये भी स्टोरी इन्होंने की है कि consciousness है कि

कि ये सब झूठ है तो वो उसको एक आर्टिकल ऑफ फेथ की तरह एक्सेप्ट कर लेगा पर okay, जो लोग ये स्प्रेड yeah. करते हैं like में है, uh -huh. which is, which ये किसके काम में आता था ये किसको चुप रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था एग्जैक्टली सो आई डोंट नो वॉट दैरल फॉर दिस इज गोइंग टू इन इस्लाम या क्रिस्टियनिटी में पर मुझे लगता है कि धर्म के जितने भी आइडियाज हैं जैसे क्रिश्चियनिटी को देख ले, जितना जितना आ, आ, औरत का रोल क्या है घर में इस्लाम में भी हिंदुइज्म में भी अक्रॉस द बोर्ड अगर हम सिर्फ उस एंगल को लें तो एक काम किसके आती है वो एक पावरफुल कैटेगरी के काम आती है जो है आदमी और वो किसे कहती है कि तुम्हें आदमी का कहना मानना चाहिए वो किसे मेंटली एनस्लेव करके रखना चाहती है सो so, मुझे लगता है कि इन सवालों का ये जो यूटिलिटी वाला सवाल है ना इसका जवाब हमेशा पावर स्ट्रक्चर्स में मिल जाता है किसे फायदा हो रहा है yeah. आप ऑलवेज नोटिस करेंगे कि जिसको फायदा हो रहा है उसी ने इन चीजों को बनाया था oh, अपनी सुविधा के लिए या सो आई नो आई ओके आई गेट दैट तो फॉर एग्जांपल हमें ये पावर स्ट्रक्चर हायरार्की जो है ये हमें इस्लाम में बिलहर्ज से नजर आती है यू नो पीपल जो जो मुस्लिम होते हैं जो हमारे जो लोग होते हैं जो उसमें डॉगमेटिकली बिलीव करते हैं, hmm. हैं you know, हमसे ये चाहते हैं वगैरह वगैरह उसमें उनको कैरे की एक चीज मिलती है You know, अच्छे काम यहाँ पे करोगे लिव पांच दफा पढ़ोगे नमाजें तो आगे जाके जन्नत मिलेगी आगे जाके ये शहद की नहरें मिलेंगी दूध शहद की आस्किंग कि ये जो आपका बिलीवर अगर है भी इस चीज का कि उसको उसको जहन में क्या है कि उसको क्या मिल क्या रहा है ऐसे ऐसे बिलीव करने से वट डज ही क्योंकि एक तो ये बड़ा सिंपल सा यू कैन आर्ग्यू यू के अलावा निकाल के मे बी यू कैन टहल के हाँ इसकी सिंपलर एक्सप्लेनेशन ये है कि दीज एग्जिस्ट फॉर रियल हो सकता है तो वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी उसी आइडिया के ऊपर बेस्ड थी कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये जो नाम मेरा है ये जो रोल मुझे बताया गया है सोसाइटी में अगर ये सब मुझसे छिन जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या सो आप जब आप या मैं या हमारे जैसा कोई आके बोलता है उनको कि तुम्हारे जो बिलीफ सिस्टम का फाउंडेशन है वही घटिया है तो वो हिल जाते हैं ना कुछ लोग इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी पावर में खलल पड़ती है और right. कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वो एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आपने ये नोटिस किया होगा कि धर्म को छोड़ने के बाद भी कई महीनों कई सालों तक लोग कोप करने की कोशिश करते रहते हैं और कई लोग तो कोप नहीं कर पाते वापस चले जाते हैं कई लोग मानते नहीं हैं पर बोलते हैं कि इट स्टिल गिव्स मी सम कंफर्ट इन लाइफ सो आई एम गोइंग बैक सो कम्फर्ट आई थिंक इज ग्रेट बिग थिंग हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है राइट right? जब हमें पता नहीं था यूनिवर्स इतना बड़ा है तब हम ये सोच के खुश हो लेते थे कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं। yes. अब हमें पता चलता है कि पता चला ये सारा सब कुछ कुछ बिलियन सब साल पुराना है और ये आने वाले कई बिलियन सालों तक भी रहेगा और हम शायद मुश्किल से 50, 60, 70, 80, 100, 100 साल तक यहाँ पे रहेंगे इट्स टेरिफाइंग सो हमने जैसे जैसे यहाँ से कहीं जाते हुए रास्ते में दो मील के पत्थर होते हैं ना माइल हमने वैसे ही टाइम में माइल बनाए हैं और वो टाइम जो माइल उनको रिचुअल्स कहते हैं हम अपने लाइफ को उन रिचुअल्स के आसपास घुमाकर बांध देते हैं ताकि हम अपने आप को खो ना दें क्योंकि अगर ये छूट गया तो हम कहाँ उड़ेंगे कहाँ गिरेंगे पता नहीं इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कई बार कि हम जब एथिस्ट जब लोगों को कहते हैं कि यू कैन लिव विदाउट रिलीजन

you can you can build a community outside religion religion hmm. is not the only source of community so that's what i i in non-duality concept non i mean just a concept on its own hmm. can that live simultaneously with other kind of uh, you know the uh jo

और मटेरियल uh, मतलब यू कम फ्रॉम डस्ट यू रिटर्न टू डस्ट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू हैव अ अद्वैता या या थिंगता का यह है कि अगर अद्विता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नॉन डुअलिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मृत्यु को देखे मौत को देखे तो वो देर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ डिसोल्यूशन राइट मतलब तुम मिल जाओगे बड़े वाले कॉन्शियसनेस में तुम एक छोटे कॉन्शियसनेस के बबल हो एक बड़े वाले कॉन्शियसनेस के बबल के अंदर तुम जब फूट जाओगे

अद्वैता वाले लोगों को बड़े बड़ा सुपर स्मार्ट समझते हैं कि हमने yeah. तो को बड़ी कोई बम चीज मार स्मग बहुत yeah, लेकिन सॉरी like really yeah, seems... मैं, जैसे मैंने आपको अगेन पीपल अब्राहमिक एंगल से डाल रहा है लीस्ट देयर इज कैरेट एंड स्टिक देयर इज रिवॉर्ड सिस्टम समथिंग इज गोइंग ऑन इन एब्राहमिकारनेशन कांसेप्ट

और आप उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं और उसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है नो यूटिलिटी यूटिलिटी ऑफ दैट उसमें तो है मुझे जन्नत मिल जाएगी या मैं ब्राह्मण के आ जाऊंगा फायदा hmm. होगा इसकी तो यूटिलिटी भी नहीं है नहीं लेकिन आपको नहीं आई डोंट थिंक सो मैं कोई चीज ही नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं है उसका जो कंफर्ट वैल्यू है ना वो आता है इस बात से कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन

सो so, yeah. जो गोल yeah. yeah. वाले सिस्टम को आपने कहा उसका फाउंडेशन ग्रीड हो सकता है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये करूंगा ये लोग किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और इनका फाउंडेशन होता है कि नथिंग मैटर्स एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर दैट इज वेरी यूजफुल सॉरी मैंने कहा लेकिन इवन भी जो है ये भी कोई कोई इतना कोई पॉजिटिव फीलिंग तो नहीं है नो बट सम पीपल कैन फाइंड कंफर्ट इन इट इट्स डिफीटिज्म कुछ भी नहीं हो सकता कुछ मत करो पड़े रहो

तक, uh, EVEN uh, SOME THREE YEARS LATER, HE STILL COMES AND STILL BITCHES ABOUT ME. Some, uh, he's, uh, yani, but ON again, YOUR the CHANNEL point, OR ON HIS CHANNEL? I HAVE BLOCKED CHANNEL, THEN HE MAKES A NEW AND, and I AM LIKE, OKAY, FORGIVE ME. BUT AGAIN, THE POINT IS, IF your END GOAL IS TO FREE hmm. YOURSELF FROM SUFFERING. Yeah. BY SUFFERING MEANS ANGER, DEPRESSION, WHATEVER. HOW IS THAT HELPING OUT TO YOU? Yeah.

how did you rule out everything else mm -hmm. including things that we know for a fact genetic yes. defect is something that that is known about is written about it is known it can be demonstrated uh, random chance is something known about it can be demonstrated reasons for diseases and health conditions are known and they have been written about reincarnation ka data can't ka well, do to... uh, University of... Uh...

लाइक like इवन अगर नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसकी पूरी बात को मान भी लू ठीक है रिनेशन सच है लोग फिर से पैदा होते हैं वगैरह 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 ये कैसे साबित करोगे कि ये जो दो बच्चे हैं जिसके बारे में तो बात कर रहे हो इनका जो डिफेक्ट है वो उसी वजह से है कनेक्टिंग yes. लिंक well, well, was... उसके हाँ. लिए एविडेंस है ही नहीं uh -huh. अगर होता भी हाउ डू यू कनेक्ट इट

एक छोटी सी बच्ची होगी और घर में जितने भी लोग होंगे सब बात कर रहे होंगे पता है पड़ोस के गाँव में ना ये मौत हो गई थी पता yeah. है उसके चार बच्चे थे पता है उसका बड़ा बेटा भाग गया था एंड ये बच्ची एक दिन टीवी पे देखती है री के बारे में कुछ और बोलती है मैं वही हूँ मेरे चार बच्चे हैं मेरा बेटा भाग गया था एंड दीस पीपल आर लाइक इसे कैसे पता चला अबे तुम ही लोग उसके आसपास गप्पे मार रहे थे चौबीस घंटे एंड योर सरप्राइज दैट शी पिकड इट अप यस एग्जैक्टली और बच्चा एट दैट पॉइंट बच्चा इटसेल्फ हिमसेल्फ कुड फॉरगेट कि मैंने ये सुनी थी कान से बात मुझे बड़ी yeah, yeah, है एक्चुअली चिल्ड्रन आर द फर्स्ट स्टोरी टेलर्स दे आर द फर्स्ट स्टोरी टेलर्स लाइक द स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी स्ट्रांग इंस्टिंक्ट इन ह्यूमंस सो दे पिक इट

मेरे जहन में ये से आपको याद है वो एक मैं नानी के घर ऊपर सहन में खेल रहा था तो मैं गिर गया था मेरा हाथ पूरा जख्मी हो गया so so, उधर ही थे उन सारों ने देखा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ आई आर गुड विद सो लॉन्ग मैंने कहा नहीं ऐसा हुआ वो उस दिन ये थे वो वहां पे वो भी था वहां पे वो भी था वहां पे वो भी था तो कहा नो अगर हुआ होता मुझे पता होता ऑब्वियसली मैंने कहा आपको भी पता नो बट सो आई क्रिएटेड दिस फॉल्स मेमोरी और वो फॉल्स मेमोरी जब मैं तीस साल का हो गया अप एंटिल दैट पॉइंट मैं उस मेमोरी hmm. के साथ चला एडमेंट और अगर मेरी मां ना ना होती इवन आई थिंक आई सेट के मैंने कहा नहीं मैंने फिर अपने उस कजन को भी कॉल की ही वॉज ओल्डर देन मी मैंने कहा आपको याद है उसने कहा नहीं आसम मुझे तो कोई नहीं याद ऐसा कभी भी नहीं ही वॉज प्रॉबेबली अराउंड फिफ्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पॉइंट सो ही वुड हैव रिमेंबर्ड

I think बच्चों को तो बच्चों को समझ नहीं है कह सकते पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने ईगरली मान कैसे रहते हैं मैंने एक चीज कही थी कुछ दिनों पहले ह्यूमन अमेरिका में कोई केस आया, वहां पे कोई आया पे बच्चा कहने लगा कि वहां कोई बच्चा अचानक से चाइनीज में बात करने लगा oh, yes. right? right? बाद में पता चला वो कुछ तो बोल रहा था उसके शहर में किसी को चाइनीज नहीं आती थी नो बडी न्यूट जस्ट्यूम लाइक

स्पैनिश रेस्टोरेंट में दिन में हफ्ते में दो बार खाते हैं आप बैकग्राउंड में जो चीजें सुन रहे होते हैं आपका ब्रेन उसको असिमिलेट कर रहा होता है और अगर आप किसी ट्रांस स्टेट में हैं सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन उन चीजों को रिप्रोड्यूस कर सकता है राइट इट सीम्स वेरी काश मेरे पास भी कोई ऐसी सुपर पावर आ जाती लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड बिकॉज़ इट डजंट हैपन इट मेक्स सेंस कि मे बी सर्टेन ब्रेन अब जैसे एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है यू नो हाउ मेन इट्स इट्स Know, मैं तो अभी कल पढ़ूंगा भूल जाऊंगा सो so, बट क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन है सो so आई आती इसीलिए एकस, करना, बिलीव करना मुश्किल होगा लेकिन जो सुपरसिशियस बंदा कहा ना इसके अंदर स्पैनिश जिन की रू आई है उसकी आत्मा जिन स्पेनिश जिन, हाँ। जिन आ गया उसके अंदर I'm I'm sorry, sorry, it it. doesn't sound very impressive to me. I I I think this is probably more Toy <laughs> Toy story, toy story philosophy, I call yeah. it. Um, Okay, take too much of your time. मुझे अपनी स्टोरी आप बताएं. कि आपने बताया कि आप दीपक चोपड़ा के उस वक्त फैन थे तो आपका क्या हुआ आपको कब ये लगा ये you know, like this. Uh, जो हमें बचपन से बताया गया है इट माई नॉट मेक सेंस या ये सारी जो पीछे बुक्स पड़ी हुई है सारों को पढ़ने के बाद आपका दिमाग घूम गया क्या हुआ कहां पे आपकी आपकी चेंज आई और पहले कैसी थी लाइफ प्री एंड पोस्ट मैंने एक्चुअली इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया जो मेरे मेन चैनल पे है बट टू गिव यू अ शॉर्ट वर्जन मैं रिलीजन से सराउंडेड था कम फ्रॉम अ रीजनेबल रिलीजियस फैमिली बट मुझे कभी रिलीजन को एक्टिवली प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी uh -huh. फिर मैंने अपना घर छोड़ा और मैं गया एक यू नो आई आई वेंट टू अ डिफरेंट सिटी टू वर्क देर और वहाँ पे ये हुआ कि मैंने पाया कि मैं अपने रिलीजियस ट्रेडिशन से अपने आप को काफी दूर महसूस कर रहा हूँ सो आई स्टार्टेड मिसिंग इट सो मैंने अपने आप को वहाँ उस उस सब से फिर से एक कराने की कोशिश की मैंने बुक्स खरीद के पढ़ी मेथोलॉजी पे वगैरह वगैरह कुछ टाइम तक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी और उस पर भी विश्वास किया और आई वॉज क्वाइट डीप इन टू इट एंड दैट टुक द फॉर्म ऑफ पोलिटिकल एंगेजमेंट विद हिंदुत्व पॉलिटिक्स मी इन टू सपोर्ट फॉर हिंदुत्व पॉलिटिशियस जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपने नहीं देखा है तो सो जी, uh, so, जी 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 सो so, काफी समय बाद जब मैं इस सब के जाल से बाहर आया लाइक इट वॉज नेवर लाइक आई एक्टिवली अपोज दिस नाउ इट जस्ट फेल अ ई वॉज नॉट एक्टिवली एंगेज इन इट एंड इट सॉर्ट ऑफ फेल अवे तो मैं अपने आपको पाया एक ऐसी नौकरी में जहां पर मुझे इसके साथ डील नहीं करना पड़ता था और चूंकि मैं ऑलरेडी काफी कर चुका था रिलीजियस एंगेजमेंट आई गॉट बोर्ड ऑफ इट और वो जो बोर्ड वाला पीरियड था इट काल स्पेस इन माई ब्रेन की देखा कि क्या जो मजाक उड़ाते थे वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का मुझे बहुत मजा आता था थोड़ा बहुत रेमिनेंट था कि से बैकग्राउंड पे हारिस भाई हम पहले मजे लेने आए थे और फिर वही लॉजिक हमने अपने रिलीजन पे उड़ गया मेरे साथ वही हुआ मैंने अपने रिलीजन पे अप्लाई दी शुरू की तो मुझे मैंने रियलाइज किया

जो है ना हमें इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे इसको कितनी इसके अंदर सच्चाई या बेहतरीव मानता हूँ लाइक अगर तुमको पास्ट देखना है तो मैं अगर मैं पास्ट को देख के अपने आपको डिफाइन करना शुरू करूँ तो मैं पिछले पंद्रह सौ साल को क्यों न देखू मैं पिछले चार बिलियन साल को क्यों that. Africa like, तक चले जाओ like, ना देखू राइट अफ्रीका तक चले जाओ उससे पहले भी जाओ सिंगल ऑर्गेनिज्म तक जाओ Life का पूरा glorious history, मेरा मेरी story है, राइट इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन द पास्ट आई द वे आर प्रॉब्लमेटिक and they they're like prescriptive, like they are not science is descriptive it describes what reality is, but these are prescriptive. Reality may be something, but you should act like this. Why? Because some people told us to. और इंडिया में तो like जो आप आपका तो एंगेजमेंट काफी बढ़ रहा है इंडियन YouTube कम्युनिटी के साथ, so you will know that अब अगर कम हो रहा अब 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 अब, अब कम हो रहा <laughs> क्योंकि अच्छा? उनको उनको गुस्सा बढ़ा आता है मेरे से

ये जो एंगे मतलब इंडिया में कई ट्राइबल रिलीजन थे जो कि असिमिलेट हो गए हिंदुइज्म में okay. इंडिया में कई रिलिजन थे जिनके बारे में लोग अब बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये माइनर रिलीजन थे जैसे बुद्धिज्म पर वो अब अब साइड में बड़ा कांटा बनने वाले हैं सो so, हमारा जो वॉट एवर वी थिंक ऑफ एज आवर कल्चरल हेरिटेज इट्स नॉट कट एंड ड्राइड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अगर किसी को सच में अतीत में अपना हेरिटेज ढूंढना है

छह सात महीने पहले कुछ सात सौ लोग देख रहे होते थे अच्छा um, but, uh, और शायद दो सौ सत्तर अब हो गए हैं। ये मेरा ख़्याल भी, भी कर देंगे। जो जो आपने की की। बात मुझे लगता है कि सारे हिंदुत्वा को हम लंप नहीं करते so लेकिन जो एक जो रेडिकल हिंदू मूवमेंट है जिसको मैं टूनी तो बोलता हूँ जो यानी बहुत ही कट्टर किस्म की जिस तरह तो आप एक इस्लामिस्ट में जिहादियों को देखते हैं कि वी हैव अ वेरी कट एंड ड्राई हमारा एक बड़ा नैरो माइंडेड गोल है वी हैव टू अचीव इट बाय हुक और क्रूक हमने अचीव करना है इवन वायलेंस भी आना यू नो लाइक दोस काइंड ऑफ पीपल आपको लगता है कि ये जो रेडिकल हिंदूज जो हैं ये बढ़ रहे हैं और जो यू नो आपके बाल भी सफेद हो गए हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट थे या कॉलेज के टेस्ट तो दिन थे उसमें आपको क्या ये लगता है, या फिर ये सोशल मीडिया की है, है। ट्विटर पे देख रहे हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं, है। What, no, say, ऐसा नहीं है क्योंकि हिंदुत्व ब्रिगेड में आपको दो तरह के लोग मिले एक वो जो करते हैं और दूसरा वो जो छुपाते हैं एक आदमी डंडा मारेगा दूसरा आके उसके सामने खड़ा हो जाएगा बोलेगा नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ सो so, आपका पहला उन लोगों से पढ़ रहा है शायद क्योंकि ब, औ, वो YouTube पे आके तो मुझे ना डंडा मारेंगे हाँ बस बस तो नहीं आपके यहाँ जो लो लोग आते हैं ना ये डिनाइल वाले ग्रुप हैं, सो so, ये होता है इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं या ये झूठ बोल रहे हैं

कई लोग एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे वो ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम भर भर के दिख रही है कोई छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा जब हम एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे नेता स्टेज पे खड़े होके हेड स्पीचेस दे रहे हैं तो इसको छुपाए तो जा ही नहीं सकता सो वट दे हैव कम डाउन टू इज दैट हाँ श्योर थोड़े प्रॉब्लम हैं पर उधर ज्यादा है लुक एट दोज पीपल ये जो लाइफ स्ट्रीम में आपके आते हैं ना मजे लेने के लिए जो भी जिस भी रिलीजन को आप क्रिटिसाइज करोगे

Exactly. Hmm. ले, लेकिन अब इनको कौन समझाए वो वो फिर hmm. चाहते हैं हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी बातें हैं ही नहीं मैं तो इसलिए इसको आई एम नॉट कन्विंस कि उसका डायरेक्ट सोर्स hmm. हिंदूजम hmm. से आता है बिकॉज हिंदुइज्म में तो इतने आपके एक गांव में एक भगवान को मानते हैं दूसरे को उसमें मानते हैं आई डों उसकी मोटिवेशन वहां से आता है लेकिन उसकी मोटिवेशन सिविलाइजेशनल डॉगमा से आती है जो ट्रॉमा जो आपको बताया गया हम पे हजार साल हम पे जुल्म किया गोरों ने किया मुसलमानों ने किया उसकी वजह से violence... मुझे लगता है कि, भारत के जो लिबरल है ना उनके बीच में एक प्रचलित धारणा यह है की हिंदुइज्म हिंदुत्व आर डिफरेंट बट आई डोंट अग्री विथ इट बिकॉज एवरी थिंग दैट हिंदुत्व इज डूंग टू हैज इट्स बेसिस इन हिंदुइज्म

माइनॉरिटीज को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा जाति oh, प्रथा wow. फिर से स्थापित होगी सो दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स दीज आर पार्ट ऑफ द सेम बिगर एजेंडा द रीजन यू कांट फाइंड स्क्रिप्चुर जस्टिफिकेशन फॉर एंटी मुस्लिम बिगटरी इज बिकॉज देर वर नो मुस्लिम यू कैन फाइंड जस्टिफिकेशन फॉर कास्टिज्म बिकॉज कास्ट हैज हैज एन ओल्ड सिस्टम इट सर्कुलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स अ टॉक्सिक डिग्रेडिंग सिस्टम जो कि अब भी लोग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं हर रोज कर रहे हैं कोई भी न्यूज पेपर खोल के देख लो चार पांच आ, मतलब कास्ट बेस्ड क्राइम्स तो मिल ही जाएंगे ऊपर से अर्बन सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को जब शादी के लिए ढूंढते हैं आ, लड़का या लड़की तो कास्ट बेसिस पे ही ढूंढते हैं पचास तरह के मैनिफेस्टेशन हैं एंड आई थिंक इसका मतलब ये जो डिस्टिंक्शन है ना हिंदुत्व और हिंदुइज्म का हम लोग बहुत स्ट्रांगली इसको नहीं कर सकते क्योंकि इफ यू रियली लुक एट वेयर द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम इट इज वेरी क्लियर टू सी

वो सब अरे वा इंडिया कितना ग्रेट है अरे वा ये देखो क्या किया उन्होंने अरे मतलब इंडियंस इन पोजिशन ऑफ पावर इन अमेरिकन कॉरपोरेशन सो देर अंडर करेंट ऑफ प्राइड बींग्रू दम and i am reasonably convinced that even those guys have fallen victim to this same outreach india ke andar ye log ajeeb ogreeb cheeze karenge bahar walon ko content creators ke through through uh, mahol bana ke dikhane ki koshish karenge wah wow, wah wow, vishwa guru ye wo pata nahi kya kya it's a it's, mean, a, it's, a, it's a sochi samji thing it's it's not I happening call, by randomness but how how is this going to serve anyone mai isko kehta hu sundar pichai syndrome jo main dekhta hu bade काफी लोग बैठे हुए मुझे बैगर कह रहे होते हैं पाकिस्तानी बैगर वगैरह वगैरह तो जो कह रहा होता है you know, उसके पास उसका वो लाइफस्टाइल ना हो जो मेरा लेकिन वो मुझे बैगर कह रहा होगा या मुझे कह रहा होगा भूखे नंगे या वगैरह वगैरह तो आई आई ट्राइड मैंने इसके बारे में सोचा बहुत मैंने आप अपनी सिचुएशन देखें क्या आपके पास पक्का बाथरूम भी है या नहीं है Why are you so or proud so, हमारे इंडियंस देखो 500 के अंदर वो, okay, yeah. Bichai, right? उसने की ना, वो तो yeah. वो उसने वो है ना ऊपर उसके पास चलो होंगे कोई बीस बाथरूम होंगे उसके घर में लेट्स टॉक अबाउट यू आपके पास क्या है <laughs>

queer हूँ मैं लेसबियन हूँ मैं जो भी हूँ इट्स मीन ओनली नो वन कैन जज मी not even god can judge me you wagaira know? wagaira i think un logo ka ye jo aata hai na individualism it comes like there is identity politics and then there's identity politics the, identity, the, politics, yeah. the identity politics of, uh, toxic, oh, the identity yes. oh, politics I mean, तो, you know, like, I mean, तो लेकिन hmm. जब हम इधर देखते हैं अपने ईस्ट में देखते हैं तो ये जो कलेक्टिव प्राइड है यू you नो know, लाइक like सुंदर पिचाई सिंड्रोम oh! सुंदर पिछाई इंडियन वो गूगल के ऊपर टॉप पे बैठा हुआ मैं वो हूं मैं भी इंडियन हूं लेकिन मैं इधर इस्लाम में बैठा हूं ये पाकिस्तानी है इमरान खान वो बॉल लेके फिरता तो फॉर यू नो ये जो कलेक्टिव प्राइड है कलेक्टिव शेम है जो आप पहले रिएक्शन की जो की जो बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम मैंने देखा पाकिस्तान का पहला प्रॉब्लम है इस्लाम देन इट्स नेशनलिज्म पाकिस्तान में इट जी आप पाकिस्तान की बुरी बुरी बातें क्यों बताते हैं एज दो

दैट इज कंप्लीटली मैनिपुलेटेड इट इज नॉट लाइक मैं समझ पाता अगर लोग जेनुअनली नेचुरली गुस्सा होता है किसी के खिलाफ पर यह गुस्सा कल्टिवेट किया जा रहा है कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर जाके ये गाली उसको दो दिस इज नॉट ऑर्गेनिक अट ऑल सो मै आई मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन जो आउटरेज आता है वो कहाँ से आ रहा है अगर आउटरेज आ रहा है उन लोगों से जो की जेनुअनली ओप्रेस्ड है आई टेक इट सीरियसली अगर आउटरेज आ रहा है उस क्वार्टर से जो पावरफुल है और इसलिए आउटरेज बनवा के Uh, 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 क्या पार्सल करवा रहा है ताकि लोग चुप हो जाएंगी पॉलिटिक्स द पावरलेस राइट सो आपको ये uh, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान में मुझे लगता है चीजें अभी बुरी होंगी एंड देर एग्जाम्पल इरान में अब चीजें अच्छी ही होंगी मे बी hmm.

बट मुझे ये पाकिस्तान में नहीं ऐसा सकता मुझे लगता है पाकिस्तान में थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लॉट वर्स ये जो टीएलपी है और ये जो रिलीजियस फेनाटिसम जो है ये हमारे जो मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियन जिनको दे शुड हैव टेकन द सेंट्रिस्ट लाइन बट स्पेशली इमरान खान इज गोइंग टू बी द वर्स्ट कॉज ऑफ दैट इसकी वजह से जो सेंटर की यू नो दे ये वो पा, पाकिस्तान इंडिया वो रहा हमेशा से लेकिन hmm. जो बारिंग जियाउल हक उन्होंने रिलीजन को यूज नहीं किया Noashi, etc. was supposed to be the right-wing party, but even he did not use religion the way Imran Khan used it. I so, find it very fascinating, actually, that you and other Pakistani people who like whose opinions I've read online, you keep saying that Imran Khan is worse than the right-wing party. Well, because because you know, it's it's a case of the better to know the devil, you know, like the devil, you know, than the than the one you don't know. Mm. Because Imran Khan definitely turned out to be the devil. We did not know, but we thought we knew. Mm. 40 plus years say he was in public eye. Everyone knew everything. Everyone knew every which girl he was hanging out with, everything. Mm. So we thought he would be a sane, liberal kind of a person. But no. In his later life, he actually became more superstitious and so superstitious. और फिर तो उनकी हॉट माइक पे बातें भी आना शुरू हो गई नो you know, थोड़ा सा टच यू नो फिर मदीने की के रियासत, रियासत में पत्थर मारते थे जना करने वालों को एडल्ट्री पे हाथ काटते थे चोरों के वट वट आर यूंगी से वो तो नहीं कह रहा सो so anyway, so, hmm. so, so, पाकिस्तान में

कि इंडिया में चीजें बुरी होंगी बिकॉज योर ऑपोजिशन जो आपकी थोड़ी सा सेक्युलर पार्टी है hmm. या जो सेक्युलरिज्म की बात करती है उनके पास तो लगता है लीडरशिप की बड़ी फुकतान है वो जाते हैं लोग लो उनको पपी करते हैं प्यार करते हैं is it, is it, Uh, it is aankh Ka Dhokha to some extent. Like, obviously, it's a political party. They're doing their Prachar and all that. But I do think that that's not the only place you should look. Uh, there are, like, the BJP has lost a lot of allies in the last couple of years. In uh, Bihar, there are politicians like uh, Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav who have allied. There are states where, in the south, uh, people have mounted a significant opposition to uh, the BJP, which is generally.

Uh, कल दरगाह में जाके चुम्मा के आए हैं सो so, ये दो साल पहले कोई इमेजिन नहीं, नहीं कर सकता था आई एम नॉट इट आई एम सीट देर फुट प्रोबेबलीर इज इसका मतलब इन अदर वर्ड्स थिंग्स आर लाइकली टू गेट वर्स मे बी क्योंकि

कब तक बेटर मोदी hmm. yeah, exactly. you... क्या होता है heater, <laughs> <था छोड़ते। laughs> कॉम्युनिस्ट आई मीन ऐसे सिंपल माइंडेड लोगों को पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैं इसको बड़ा देखता हूँ पीपल है

<laughs> वो कहानी सुनाता है वो कहता है एक लॉयर होता है एक प्रीस्ट होता है और एक फिजिसिस होता है तीनों को फांसी की सजा सुनाई देती है 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 तो पहले लॉयर जाता उस पर से वो वो जो होता आके गिरने लगता उसकी गर्दन के ऊपर यहाँ पे आके रुक जाता तो लोग बड़े हैरान होते हैं उस जमाने में पब्लिक एक्सिक्यूशन होती थी तो लोग बड़े हैरान होते हैं लोग कहते हैं द गॉड हैज स्पोकन हम इनजस्टिस करने लगे हैं लॉयर के साथ इसलिए वो गिलेटीन उसकी गर्दन से पहले रुक गया छोड़ दो इसे तो वो कहता छोड़ दिया अगला आता है प्रीस्ट आता है प्रीस्ट के ऊपर वो करके यहाँ पे रुक जाता है वो कहता लॉर्ड है द गॉड है स्पोकन वी वर गोइंग टू किल द मैन ऑफ गॉड वो उसको भी छोड़ देते हैं फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट तो मशीन को रिपेयर कर दिया हाँ, वो फिर नहीं वो फिजिसिस्ट आता वो आके

I would like to speak to you about that as well uh, in future. Or maybe Definitely. obviously people are a bit more interested in the politics as well. And I think the political issues are in a subtle manner. अगर हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं, because you know Bilkul. people are very वो ऐसे मैं पंजाबी में कहते तत्ते तवे थे बैठे होंगे ना you know they are like always on a hot plate हाँ. or something गरम तवे के ऊपर you know you हाँ. just how dare you said that you are a communist or you are agent और पता नहीं क्या क्या so you know um,